सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर मैकेनिक टीवी। तो आज हम चेंज करने वाले हैं जो हमारी फ्रंट टायर में डिस्क ब्रेक लगती है, वो डिस्क ब्रेक किट हम इसमें डिस्क पैड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताएंगे कि इसका डिस्क पैड कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे जो 12 mm के बोल्ट्स हैं उसको हम खोल लेते हैं। इसको हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे आपको देख रहे हो डिस्क ब्रेक क्लीपर है। आपको यहाँ पे बैक साइड में यहाँ पे एक 5 नंबर की एलंकी मिल जाएगी। हम इसको जस्ट एलंकी टूल से ओपन कर लेंगे। हमारी कुछ इस तरह की इसकी बोल्ट होती है, इसको हम साइड में रख लेंगे। ये हमारा डिस्क पैड बाहर आ चुका है। यहाँ पे हमारी दो सिलेंडर की दिख रही है, इसको हमें अंदर के साइड पुश करना होगा, उसके बाद हम डिस्क पैड इंस्टॉल कर लेंगे। पहले हमें इसके ऊपर का जो क्लीपर होता है उसको हमें निकालना होगा। ये हम इसको निकाल ले रहे हैं। तो अभी आपको कुछ हमने इस तरह का इसका क्लीपर बाहर निकाल लिया है। अभी यहाँ आपको दो पिस्टन दिख रहे हैं, जस्ट हमें इस पिस्टन को अंदर की साइड पुश करना है, दोनों पिस्टन को। तो हम इसको दबा लेंगे अभी। हमें हमारे दोनों पिस्टन को बराबर से ही दबाना होगा। ये देख लीजिए, हमने हमारे पिस्टन को बराबर कर दिया और हमने इसके क्लीपर्स में ग्रीस डाल दिए हैं ताकि ये लुब्रिकेट रहे। इसके बाद जो हमारी क्लीपर्स होती है इसको हमें लगा लेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए, और हम उसके बाद डिस्क पैड लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाला डिस्क पैड लगाएंगे, उसके बाद हम राइट वाला डिस्क पैड लगाएंगे। हम जब बराबर से दोनों डिस्क पैड बैठा लेंगे तो उसमें जो हमारी एलंकी बोल्ट होती है हम उसको इसमें डाल देंगे और अब हम इसको इसके हिसाब से टाइट कर लेंगे। अभी हमने इसको टाइट कर दिया तो अभी हम इस ये देख लीजिए, अभी हमने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद हम अभी डिस्क ब्रेक के क्लीपर को टायर के अंदर फिट करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर से जो हमने 2 12 mm के बोल्ट्स को ओपन किया था उसको हम इसको लगा लेंगे। अब हम इसको फुल टाइट कर लेंगे। ये देख लीजिए, अभी हमने इसके क्लीपर को टाइट कर दिया है। अब हम इसको ऊपर से पंप करेंगे। हमने इसको पंप कर दिया। ये देख लीजिए, अगर आप इस मेथड से ब्रेक्स को आगे वाला चेंज करते हो, डिस्क पैड आगे वाला चेंज करते हो, तो आपकी जो टायर जो आपकी येलो व्हील होती है वो
वो आपकी जाम नहीं होगी। और आप अगर दूसरे मेथड से इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपकी गाड़ी के जो टायर्स होते हैं वो आपको थोड़े जाम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की जो माइलेज होगी उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आई होप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।